हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे T10 का मुकाबला, जो कि T10 खेला जाएगा ECH T10 करोटा का। ECH T10 करोटा का जो मुकाबला होगा वो होगा इंडियन समय अनुसार 11:15 AM में, सिर्फ ही अभी से 6 घंटे बाद। और यहाँ पर खेला जाएगा JC और AFK के बीच। JC और AFK के बीच जो मुकाबला होगा वो होगा इंडियन समय अनुसार 11:45 पर। और इसका प्राइज की बात करें तो इसकी प्राइज इतना रखा गया है। इस प्राइज को हासिल कराने वाले बैट्समैन, बॉलर या ओलंडर कौन होगा, और किस कंडीशन में कौन सा ओलंडर को रखना चाहिए और किस कंडीशन में कौन सा ओलंडर को ड्रॉप करना चाहिए, ये भी बताएंगे। चलिए आप लोगों को सामने में करेक्ट टीम पर जाकर बात करते हैं। जब तक आप लोगों को सामने में करेक्ट टीम पर जाकर बात नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को अच्छे जानकारी नहीं मिलेगा। और मैं आप लोगों को ये जानकारी देते हैं कौन कितने नंबर में बैटिंग करेगा और यहाँ पर पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है। जिनका सिलेक्शन परसेंट काफ़ी हाई है वो अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा या नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन में टेक कॉलरनी, ये मात्र ऐसे विकेट कीपर है जो हर एक मुकाबले में अच्छे खासे स्कोर कर रहा है। बाकी विकेट कीपर जितने हैं वो फ्लॉप हो रहा है। ये भी किया है 10-5 रन, ज़्यादा नहीं। ये भी सबका सब फ्लॉप्स है, इसलिए मैं अपने टीम में एक ही विकेट कीपर को लूँगा। T10 है, मैं ज़्यादा रिस्क लेने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि T10 एक ऐसा मुकाबले होते हैं, काफ़ी रिस्की मुकाबले कह सकते हैं, शोक मुकाबले कह सकते हैं। कभी बैट्समैन अच्छे खासे परफॉर्म करता है, कभी नहीं करता है, कभी बॉलर को बॉलिंग नहीं कराया जाता है, कभी बॉलर को बॉलिंग नहीं करा कर बैट्समैन को बॉलिंग कराया जाता है, कभी बॉलर को ओपनर उतार जाता है, यानी कोई गारंटी नहीं है लाइनअप का। फिर भी मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देते हैं, हर एक मैच में ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ रूल्स है जो कि आप लोगों को रूल्स का पालन करना पड़ेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ, पी पावर सेलेक्शन परसेंट लो है लेकिन अच्छा खासा है रिकॉर्ड है। क्यों सेलेक्शन परसेंट लो है? क्योंकि ये दो मुकाबले में लगातार फ्लॉप्स हुए हैं, उससे पहले अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहा था। अब इन्हें देखिए, और बाकी बात खास नहीं है सबका। देखिए, एक कुमार का 2-3 मुकाबले में 10.5 पॉइंट देकर जा रहा है, और एस थॉमस खास पॉइंट नहीं दे रहा है, अच्छे खासे प्रदर्शन नहीं कर रहा है, ठीक ठाक प्रदर्शन और उम्मीद नहीं करने के कारण देखिए यहाँ पर इन्हें जो है 5 बैट्समैन में से किसी बैट्समैन को ड्रॉप कर सकते हैं, ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए एक बैट्समैन के साथ अभी जा रहा हूँ शेप। मैं आप लोगों को सेफ प्लेयर को पहले मैं सेलेक्ट कर बता देता हूँ, उसके बाद किसे रखना है, यूनिक कौन होगा, रिक्सी कौन होगा। सबसे पहले मैं विकेट कीपर में सेफ लिया हूँ, अब बैट्समैन में लेता हूँ, अब ओलंडर में आता हूँ। ओलंडर में के गुप्ता सेलेक्शन परसेंट रहा है, अच्छे खासे प्रदर्शन करेगा और ठीक ठाक कर सकता है। एस सिंह अच्छा खासा है, एक अटून रिशन के फॉर्म बुरी चल रहा है, खास प्रदर्शन नहीं है, ओ मैत्रा अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहा है, पी गोविंद राज ठीक ठाक प्रदर्शन करेगा। अब यहाँ पर देखिए, इन 5 ओलंडर में से क्यों किसका लेना है, एस रन प्रेसर है। अब उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड जो है वो है बैटिंग पिच 57% और 43% है बॉलिंग पिच। और यहाँ पर स्पिनर की बात करें तो 77% स्पिनर है, 23% है, 23% स्पिनर है, लगभग करीबन 23% स्पिनर है, 77% पेसर है। आप अपने टीम में पेसर को ले सकते हैं। मैं के गुप्ता को इसलिए ले रहा हूँ, पेसर है, अच्छे खासे प्रदर्शन करेगा। एम कौन को लिया हूँ, इन्हें लेने के बाद देखिए एस सिंह को यहाँ पर एक कटूंग लूँगा।
ओलंडर में करीबन 5 ओलंडर के साथ जाऊंगा, क्योंकि इन 5 ओलंडर में से हर एक का रिकॉर्ड ठीक ठाक है और ये अच्छे खासे प्रदर्शन करेगा। अब आता हूँ बॉलर सेक्शन में। बॉलर सेक्शन में इम्पोर्टेंट बॉलर के रूम में रहने वाला कौन रहेगा ये भी बताऊँगा। जिंक ए अंसारी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहा है, ठीक ठाक उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जेड वेट जो है पूरा का पूरा मुकाबले जीत कर आया है, इसलिए मैं इन्हें साथ हो गया। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, मैं अपने हिसाब से पी कन को लूँगा, 8-3 का हो गया। फिर भी जिनका सलेक्शन परसेंट लो है मैं उसे अपनी टीम में पिक करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए मेरा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप को सलेक्शन परसेंट हाई है लेकिन खास प्रदर्शन नहीं कर रहा है। एस क्यू का अच्छा खासा है, भी कहन एसन को है। मैं सबसे पहले देखिए मैं अपने टीम में फाइनल टीम बना रहा हूँ, एक विकेट कीपर लूँगा और एक बैट्समैन लूँगा। बैट्समैन लेने के बाद देखिए 5 ओलंडर लूँगा। 5 ओलंडर में से यहाँ पर एस अच्छा खासा आ रहा है लेकिन खास प्रदर्शन नहीं कर रहा है, यूनिक के रूम में रहेगा। अब बॉलर सेक्शन में इम्पॉर्टेंट बॉलर के रूम में इसे लूँगा। इन्हें लेने के बाद देखिए एस बी खतन को लूँगा या एस ठाकुर इम्पॉर्टेंट रहेगा। आई एम एस स्पिनर है, यहाँ पर एक गॉर्ज को लिया हूँ, ए अंसारी को लिया हूँ। 7-3-10 हो गया। मैं ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर बॉलर लिया हूँ। 3 बॉलर लेने के बाद देखिए 5 ओलंडर लिया हूँ। 5 ओलंडर लेने के बाद देखिए अब आते हैं बैट्समैन में। बैट्समैन में इम्पोर्टेंट बैट्समैन के रूम में कौन रहेगा? इम्पोर्टेंट बैट्समैन के रूम में रहेगा अच्छे खासे जिसकी सलेक्शन परसेंट काफ़ी लो है उनके लूँगा। मैं बैट्समैन में आता हूँ विकेट कीपर में। विकेट कीपर में से इम्पोर्टेंट विकेट कीपर के रूम में वो रहेगा बी कुमार, या इम्पोर्टेंट विकेट कीपर के रूम में एक अच्छा खासा है, सलेक्शन परसेंट लो है, खास प्रदर्शन नहीं कर रहा है। देखिए मैंने 2 विकेट कीपर लिया हूँ, 1 बैट्समैन लिया हूँ और 5 ओलंडर लिया हूँ। 5 ओलंडर में से 3 बॉलर लिया हूँ। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए कैप्टन और वाइस कैप्टन हर कोई यहाँ पर पी ओर का कैप्टन दूंगा मैं, अच्छा खासा है, कैप्टनसी कम है इसलिए दूंगा, और हर कोई सेफ कैप्टन इसे देगा, वाइस कैप्टन इसे देगा, लेकिन मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन पर हमेशा रिस्क लेता हूँ। मैं कैप्टन के रूम में पी ओर को दूंगा या के गुप्ता को मैं कैप्टन दूंगा। के गुप्ता को कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूम में इम्पोर्टेंट रहेगा। वाइस कैप्टन के रूम में मैं यहाँ पर पी पावर को वाइस कैप्टन दे रहा हूँ। अब मैं सेफ टीम करता हूँ। सेफ टीम करने के बाद देखिए मेरा टीम का पर व्यू किस तरह से रहता है। फिलहाल के लिए मेरा टीम का पर व्यू इस तरह से रहेगा, इस तरह से मेरा टीम का पर व्यू रहेगा। हाइयोप ये वीडियो आपको पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।